ठीक है, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारा यहाँ पे 6 रेक्टेंगल से बना हुआ होता है और क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट आता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे लिख ली है। सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला आने वाला है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला ये आने वाला है टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड टीएस है, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएस। ओके, टोटल सरफेस एरिया मतलब सभी रेक्टेंगल के एरिया हमें फाइंड करना है। अगर एक रेक्टेंगल होता है तो उसका एरिया कैसे हम फाइंड करते हैं? सिर्फ एक रेक्टेंगल होगा तो एक रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ और ब्रेथ अगर गिवन है तो क्या करते हो आप, एल इंटू बी, सिंपल एल इंटू बी करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बॉटम में आपको रेक्टेंगल दिख रहा है एल बी और टॉप में भी आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो दो बार एल बी आने वाला है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे अभी सिर्फ एल बी लिख रहा हूँ, प्लस ये पूरा बड़ा ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे। बार मैंने ऑलरेडी 2 लिख दिया है, मतलब दो बार एल बी आने वाला है। देख लो यहाँ पे पहले स्क्रीन पे, एल बी मतलब बॉटम का भी एरिया आ गया और टॉप का भी एरिया आ गया। ठीक है, चलो ये साइड वाला देखो, ये साइड वाला जो रेक्टेंगल है इसमें एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? बी इंटू एच, बी इंटू एच, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे बी एच। ठीक है, ये एल इंटू बी लिखा हुआ है और ये बी इंटू एच लिखा हुआ है, प्लस ये जो फ्रंट में है, फ्रंट में क्या होगा, लेंथ होगी, फ्रंट में लेंथ होगी और हाइट होगी, मतलब एल इंटू एच आने वाला है। ठीक है, और ये सब दो दो बार आने वाला है, इसलिए हमने ब्रैकेट बना के बाहर 2 लिख लिया हुआ है। फ्रंट बैक दो साइड वाले आएंगे और टॉप बॉटम, मतलब हर चीज दो दो बार आने वाली है, इसलिए हमने आके यहाँ पे 2 लिख दिया हुआ है। ठीक है, और याद कैसे रखना है, आपको पता है कि क्यूबॉइड में एल बी और एच ही आने वाले हैं, तो फर्स्ट टर्म देखो एल बी, सेकेंड टर्म बी एच, और थर्ड टर्म आप याद रखो एल एच लिख सकते हो तो भी चलेगा, एच एल लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और आगे आपको 2 मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड चीज यहां पे आ रही है लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो एल एस है। लेटरल का मीनिंग क्या होगा कि ये 4 साइड, टॉप और बॉटम नहीं गिनना है। ठीक है, टॉप और बॉटम नहीं गिनना है, तो कौन सा टर्म यहां पे माइनस होगा, टॉप वाला टर्म और बॉटम वाला टर्म, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। तो कौन से 2 टर्म आएंगे यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 3 टर्म है, एक टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी के 2 टर्म आएंगे बॉटम में। क्लियर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया काउंट नहीं करना है, तो टॉप और बॉटम वाला जो टर्म है वो है आपका एलबी एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी हमें काउंट नहीं करना है, तो उसके अलावा जो भी बचा है वो सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी एच प्लस एल एच। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉप को भी हमने काउंट नहीं किया हुआ है और बॉटम को भी हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, दोनों में एच आपको कॉमन दिख रहा है, 2 पहले से ही बाहर है और एच भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हो बी प्लस एल। ठीक है, एल प्लस बी लिखो तो भी चलेगा, बी प्लस एल लिखो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ से एक और चीज हमें पता चल रही है कि हमने छोटे स्टैंडर्ड में देखा है कि ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है एल प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये दिख रही है ये वाली चीज, 2 इंटू बी प्लस एल, तो ये पूरा का पूरा पेरीमीटर गिवन है, तो h इंटू पेरीमीटर, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर और हाइट गिवन है, तो आपको एल एस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तो ये आप ऐसा बोल सकते हो कि हाइट इंटू पेरीमीटर, तो इसका मीनिंग भी वही है कि ये एल एस की बात हो रही है। ओके, ये एमसीक्यू में ये सारे क्वेश्चन आ सकते। चलो फटाफट, चलो ये हो गया आगे टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है,
इसके बाद होगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, थर्ड टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सर वॉल्यूम इसका एल बी एच होता है ना? हाँ, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसमें एक ही फॉर्मूला खाली याद रखना है, और वो भी याद नहीं रखना है, ठीक है, कि बी इंटू एच, एल इंटू बी, एच इंटू एल, एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आप सिर्फ फिगर याद रखो तो सब कुछ अपने आप होता जाएगा। टी ए से हो गया, फिर एल एस में एल बी माइनस कर देना है। वॉल्यूम तो याद रखने जैसा कुछ है नहीं, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, चलो फोर्थ टॉपिक इसी क्यूबॉइड में आता है आपका, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंडर रूट लिखना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बी और एच आपको दे देंगे क्वेश्चन में, ठीक है, और स्क्वायर करके फिर अंडर रूट निकालना है। सबका अलग अलग पहले स्क्वायर करना है, फिर जो फाइनल आंसर होगा उसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो ये फोर्थ टॉपिक डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। फिफ्थ टॉपिक है आपका लेंथ ऑफ एजेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आपका जो फिगर है, हाँ, एजेस की लेंथ ढूंढनी होगी। चलो यहाँ पे मुझे बता दो कितनी एजेस है यहाँ पे क्यूबॉइड में, 1 2 3 ऐसे टोटल काउंट करो। सर 8, वो डॉटेड लाइन भी गिनना है। ठीक है, 12 होगी, 12 होगी लेंथ, लेकिन 12 में से देखो 4 एल होगी आपकी, ये एल आपको दिख रहा है, फर्स्ट एल, सेकंड एल, फिर पीछे भी बॉटम में एल होगा और ऊपर भी एल होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 4L प्लस, ऐसे ही आप बी देखो तो बी भी 4 बार गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी एंड फोर्थ बी। तो ये हो गया 4B प्लस, हाइट भी आपके पास 4 है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये होगा आपका 4H, लेंथ ऑफ एजेस, मतलब जो भी क्यूबॉइड में जितनी भी लेंथ है उन सभी का एडिशन। ओके, चलो ये डन, ये क्यूबॉइड की सारी बातें आ गई। एक जनरल बात है यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं जो सब में कॉमन रहेगी, यूनिट एरिया का यूनिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर सब कुछ मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर, सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम में गिवन है तो एमएम स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या रहेगा वो लिख देते हैं यहाँ पे, सब कुछ मीटर में तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एमएम क्यूब। ठीक है, ये यूनिट हो गया। कन्वर्जन भी देख लेते हैं सिंपल, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, ये भी लिख लो फिर एक बार, खाली आपको देखना पड़ेगा जब भी आप प्रिपेयर करो तब। 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, 1 centimeter मतलब 10 mm, मतलब 1 meter को अगर आप mm में कन्वर्ट करो तो 1000 mm होगा। ठीक है, देन 1 meter स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 centimeter स्क्वायर। एंड और एक चीज, 1 meter क्यूब इज इक्वल टू 1000 liter। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होंगे वो मिक्स में होंगे, ठीक है, ऐसा बोल नहीं देंगे कि अच्छा चलो ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, तो आपको शेप भी खुद ही पहचानना है, एरिया का क्वेश्चन है या वॉल्यूम का क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, और सब में यूनिट सेम है या नहीं है वो भी आपको खुद देखना है। ठीक है, इन तीनों में कहीं पे भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, बाकी तो सब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करना है, एल इंटू बी इंटू एच, सब मल्टीप्लीकेशन ही है। चलो सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है, क्यूब वाले क्वेश्चन होंगे, तो क्यूब आपको देख के लग रहा है कि ये स्क्वायर का 3D शेप, ठीक है, स्क्वायर का 3D शेप।
तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं हम, ये किस चीज का है, मतलब ये स्क्वायर का 3D शेप है ये क्यूब, सभी साइड में L L L, सारी साइड L हम यहाँ पे मान रहे हैं, ओके। और ये फिगर 6 स्क्वायर से बनेगा, 6 रेक्टेंगल होगा तो क्यूबॉइड, अगर सभी स्क्वायर्स हैं तो वो फिगर होगा आपका क्यूब। इसमें भी फर्स्ट चीज TS है, ओके। तो याद कैसे रखना है ये वाली चीजें भी, देखो जो फर्स्ट में था L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, तो यहाँ पे तो सभी जगह पे L ही लिखना है हमें, L इंटू एल इंटू एल, क्योंकि सभी साइड इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 3 L² और डायरेक्ट अगर आपको याद रखना है तो 6 L² फेस साइड है, सभी का एरिया सेम होगा, L स्क्वायर 6 L² डायरेक्ट याद। सिमिलर LS है, अब ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, LS में मैंने आपको बोला है कि वर्ड ध्यान रखना है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब टॉप और बॉटम को नहीं गिनना, ठीक है। तो 2 L² चले जाएंगे, तो 6 में से 2 L² चले जाएंगे, तो ये होगा आपका 4 L², ठीक है। 6 L² माइनस 2 L², तो ये होगा आपका 4 L², ठीक है। थर्ड आपका होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी वही जो क्यूबर्ड में क्या था L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे होगा L इंटू एल इंटू एल, ये हो जाएगा आपका L³, ओके। मीटर स्क्वायर इन दोनों में, और इसका यूनिट होगा आपका मीटर क्यूब। फोर्थ टॉपिक डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, क्यूबॉइड में क्या था L स्क्वायर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे हर जगह पे L स्क्वायर होगा, अंडर रूट में L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, तो ये होगा आपका अंडर रूट 3 L², ठीक है। L स्क्वायर और अंडर रूट दोनों आपस में कट हो जाएंगे, L स्क्वायर और अंडर रूट दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो सिर्फ 3 का अंडर रूट रहेगा रूट 3, और L स्क्वायर कट होके बाहर आ जाएगा सिर्फ L, ठीक है। आपको गिवन होगा कि L इज इक्वल टू 6 cm, तो डायगोनल क्या होगा, तो 6 × √3, ठीक है। ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में आपस में डन, चलो कर दो फटाफट। फिर देख लेना PDF में, ओके। सिलेंडर, और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो हर बार आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसा एकदम स्ट्रेट ही सिलेंडर होगा, ऐसा टेढ़ा वेढ़ा नहीं होगा, ओके। सिलेंडर में ऐसे LSA वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिलेंडर में क्या होगा कर्व सरफेस एरिया आएगा, ये आपको कर्व दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म CSA, ओके, शॉर्ट में आप लिखोगे CSA, ओके। फॉर्मूला फिक्स है 2πRh की, ये सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर होता है ना 2πR, सर्कमफेरेंस बोलते हो आप, तो सर्कमफेरेंस इंटू हाइट अगर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया हाइट, ये सेंटर से लेके आपको ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका रेडियस, ठीक है। ये 2πRh, 2πR कैसे याद रखोगे, ये होगा आपका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस को अगर आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको CSA मिल जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन में अगर ये गिवन है सर्कमफेरेंस और हाइट गिवन है, वैसे बोलना मत कि ये क्या दे दिया, CSA कैसे फाइंड करेंगे, तो मतलब वही गिवन है, सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सेकंड आपका है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व में क्या होता है, सिर्फ हम ये
कर्व्ड बाउंड्री ले रहे हैं, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल हम गिन नहीं रहे हैं यहाँ पे। ये जो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, आगे पीछे पूरा राउंड। लेकिन ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल इसमें काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टोटल में काउंट होगा, टोटल में हम क्या लिखेंगे, आपका ये कर्व सरफेस एरिया भी होगा प्लस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितने सर्कल है, एक ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा आपका 2πRh प्लस दो बार पाई आर स्क्वायर, मतलब 2πR स्क्वायर, ओके। और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, और एक एक आर भी आप कॉमन निकाल सकते हो। तो 2πR यहां तक कॉमन दिख रहा है और एच प्लस आर, ठीक है, ये अलग अलग है दोनों टर्म, ठीक है। ये भी एरिया की बात हो रही है, ये भी एरिया की बात हो रही है, लेकिन जो टी ए से लिखा हुआ है इसमें दोनों सर्कल भी आ रहे हैं और इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, ओके। फिर से ये 2πR, मतलब अगर सर्कमफेरेंस गिवन है तो, ठीक है, मतलब 2πR और h प्लस आर। चलो थर्ड होगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इनटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। इसको याद कैसे रखना है, ये पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल का एरिया और ये एच मतलब आपका हाइट, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और नॉर्मल अगर आपको सिर्फ हाइट गिवन है तो उसका क्या होगा, नॉर्मल हाइट गिवन है तो उसका होगा आपका सिर्फ मीटर, और मीटर स्क्वायर इनटू मीटर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये हमें पता चल गया, ठीक है। एरिया इनटू हाइट, मतलब ये वॉल्यूम की बात हो रही है। टोटल सरफेस एरिया कैसे याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सी ए से कैसे याद रखना है, 2πRh सरकमफेरेंस इनटू हाइट, ओके ओके। तो ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।